कैसे हैं, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। दिन नंबर है 4 और KVSPRTA 2020 संघर्ष वाकई में जारी रहेगा और उस जारी रखने के लिए जो कमजोर हिस्से होते हैं उसे मजबूती से पूरा करना पड़ता है। तो उसी के तहत साइंस का तीसरा लेक्चर है और इसमें कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से। अगर आप लोग ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, वो चैनल पर पड़े हुए हैं। और ये वीडियो अब नेक्स्ट टीचर पे भी अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट टीचर जो हमारा मेन चैनल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड बनाया गया है, नेक्स्ट टीचर पर टीचिंग से संबंधित भारतवर्ष की जितनी भी परीक्षाएं हैं सारी कवर की जाएंगी। और जल्द ही अभी वो अपनी इनिशियल फेजेस में है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, एम विद राकेश का ही दूसरा डेस्टिनेशन है नेक्स्ट टीचर। और यहां पर टीचिंग से जितनी लेक्चर से मिलने शुरू हो जाएंगे और ये लेक्चर आप नेक्स्ट टीचर पर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पिछली वीडियो में जहाँ चीज़ें छोड़ी थी वहीं से बात करते हैं। मोशन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक किए थे और हमें अब कुछ करने थे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बच्चों की कमजोर कड़ी रहे हैं और वहीं से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, बार बार कह रहा हूँ, नेक्स्ट टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, एक अच्छा चैनल, एक अच्छा टेक ओवर आपको जरूर वहाँ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन को देखा था इसमें गति वाले हिस्से में, अब उसके न्यूमेरिकल्स करने की बारी थी, जिससे आपको अंदाज़ा लगे, कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता है। देखते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। टोटली आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी की एक चीज़ आपको इन लेक्चर्स में मिलेगी। जल्द ही आप लोगों को केवीएस की जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो में लाने जा रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा हुआ है इंग्लिश में लेकिन हम इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब करेंगे। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। मतलब एक गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट, जिसमें जो कि एक्सेलरेट मतलब गति में आई हुई है, त्वरण है उसमें, और जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की शुरुआती वेग से बढ़ते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की अंतिम वेग तक पहुंचती है, और इसके लिए समय लगाती है 5 सेकंड। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, अब इसमें आपको निकालना क्या क्या है कि कितना त्वरण है वो निकालना है और कितना दूरी तय की। मतलब एक कार है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू हुई और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुँच गई चलते चलते तेज़ गति में, और 5 सेकंड का समय लगा। तो बोल रही है इस दौरान इसने कितनी दूरी तय की है, साथ में कितना एक्सेलरेशन, कितना त्वरण इसमें रहा है। मतलब आपको ए निकालना है और एस निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें देखिए आपको दिया क्या क्या हुआ है, इसमें आपको यू दिया हुआ है, शुरुआती वेग कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब यहाँ किलोमीटर में और यहाँ सेकेंड में, तो आपको इसको भी इसके मात्रक, एक ही मात्रक में चेंज करना होगा ना, एक ही स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करना होता है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लें। आपको पता है कि जब किलोमीटर से हम किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो जो संख्या दी हुई है सीधे सीधे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मीटर पर सेकेंड में यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसिल, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और हमारा V हो गया 36 × 5/18, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमने पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है U और V को। देखिए क्लियर हो गया, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखेंगे हम लोग कई सारे क्वेश्चन, अंत तक बने रहिएगा जरूर जरूर। और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, समय दिया हुआ है। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा होता है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा था, नहीं पता तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, फार्मूला बताया था। गति में किसी भी पैरामीटर को निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं, वही हमेशा आते हैं परीक्षाओं में। वी इज्कल टू यू प्लस ए टी, वी कितना हमारा 10, यू कितना हमारा 5, ए हमको निकालना है और टी कितना है 5, हल कर दो। तो ये कितना हो गया 10 प्लस, इसको फटाफट निपटाते हैं, ये 5 इधर आ गया तो इधर बचा 5 और ए इंटू 5, 5 से 5 कट गया तो ए कितना आ गया 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला पोर्शन आपका इसमें निकल गया, त्वरण आपने निकाल लिया, त्वरण आ गया तो डिस्टेंस निकालना है, फटाफट टीप दो इसमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे, एस निकालना है तो यू कितना था हमारा 5 × 5, टाइम भी 5 था, प्लस हाफ, ए कितना आया है 1 × 5 का स्क्वायर, खींचो फटाफट, 25 है ना, और ये 25/2, तो 25 + 25/2 सॉल्व कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा बेसिक्स। तो इस क्वेश्चन देखिए दोनों फार्मूले यूज़ हो गए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं वो डाल दीजिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को बेसिकली अपनी ताकत बनाइए आप लोग, क्योंकि ये इसमें एग्जैक्ट आंसर सीधे दिखता है आपको, ठीक है, और जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत डीप कंसंट्रेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, देखिए क्या कहता है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, एक कार पे ब्रेक लगाया जाता है, कोई कार चल रही होगी फिर से ब्रेक लगाया गया, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, टू द मोशन, इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, एक कार चल रही थी उसमें ब्रेक लगाए गए, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाएंगे तो स्पीड घटेगी, है ना, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाना मतलब डी एक्सेलरेट, स्पीड कम करना, इसीलिए डी एक्सेलरेट ना लिख के एक्सेलरेशन लिखा हुआ था कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए, अभी देखेंगे, तो स्पीड कम हुई, और इफ द कार टेक्स, और कार को अगर 2 seconds लगता है रुकने में, स्टॉप होने में, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब कि उस 2 seconds के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ब्रेक लगने के दौरान, पुश होने के बाद कितनी देर में जा, कितनी दूरी तय करके जाके वो गाड़ी रुकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में खेल क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है 6 m/s², लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीएक्सेलरेशन जब भी होता है उसके आगे नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, बस इस क्वेश्चन में यही था, इस क्वेश्चन में यही पूछता है, ए क्या है, त्वरण जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, रोक रहा है, उसको अपोज कर रहा है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। आपको आपका इसमें यू कितना दिया हुआ है, इसमें अच्छा यू नहीं दिया हुआ, इफ ए कार, अच्छा इसमें आप देखो एक चीज़ क्या है कि गाड़ी अंत में स्टॉप होगी तो हमारा जो फाइनल वेग होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो भी 0 होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और समय कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है 2 seconds, ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, हम देख लेते हैं, आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ए माइनस 6, टी 2 seconds, और आपको वी 0 ही है, क्या है 0 ही है। तो पहले हम इससे क्या करने की कोशिश करते हैं, इससे हम हमको पहले यू निकालना है, क्या निकालना है यू निकालना है, फिर हम दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एस के 2 फार्मूले हैं, दोनों में यू का रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम यू निकालते हैं, तो इस वाले फार्मूले से यू निकालने की कोशिश करेंगे, वी इज्कल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, निकालें, ये तो 0 हो गया, यू निकालना ही है, ए कितना है, ए आपका -6 था, और टी कितना था 2, तो ये कितना हो गया 0 इज्कल टू वी -12, सॉरी यू -12, तो यू आपका कितना आ गया -12 m/s, सॉरी प्लस का 12 m/s, तो यू आपका कितना आ गया 12, अब बात खत्म हो गई, हमको यू भी मिल गया 12 m/s, मतलब शुरुआती स्पीड 12 m/s थी, फिर ब्रेक लगाने पे वो वेलोसिटी 0 हो रही है। अब हमको क्या निकालना है, एस निकालना है, रियली में क्या निकालना था, एस फॉर्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, या इससे भी आसान लगाना है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, v 0 था ही, ये 144 हो गया, 12 144 हो गया, प्लस 2 × -6 × s, तो ये कितना हो गया 144 − 12s, ठीक है, 144 − 12s, तो ये हो गया 12s = 144, s = 12 m, तो 12 m पे जाके वो गाड़ी रुक जाएगी, तो s का डिस्टेंस कितना आ गया 12 m, क्लियर है। मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं कि 12 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने,
कोई एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लीजिए, डन। 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 टू माइनस ए और प्लस ए एस, ठीक है, डन हो गया। ये एस है, इसको देख लीजिएगा, क्लियर है। तो एस ही आ गया 12 मीटर और यू हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं आपके आगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी का ही है, ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चलता है ना, किसी पॉइंट से हटता है, कोई वस्तु है इस बिंदु पे और यहाँ से वो कहीं भी मूव करती है, तो क्या किसी भी कंडीशन में उसका जो विस्थापन है वो जीरो हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए वो जगह कहीं भी घूम के दोबारा वहीं पहुंच जाए वस्तु, तो विस्थापन उसका शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, डन। तो ये इसका मतलब यस, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि डिस्टेंस है ना, दूरी और इधर विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्या कहीं बराबर हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। ए और बी में दूरी थी 10 किलोमीटर की, यहां से यहां में दूरी भी 10, अगर मैं यहां से यहां आ गया 10 किलोमीटर की दूरी है तो डिस्टेंस भी 10 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो जाएगा, तो मतलब दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। विस्थापन जो है वो दूरी से कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां ट्रेवल किया, वापसी यहां आ गए, तो डिस्टेंस तो डबल हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है डिस्टेंस से। तीसरी कंडीशन, क्या डिस्प्लेसमेंट दूरी से ज्यादा हो सकता है? बताइए, क्या किसी भी कंडीशन में जो विस्थापन है वो दूरी से ज़्यादा हो सकता है? जी नहीं, विस्थापन किसी भी कंडीशन में दूरी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा हमेशा, आप देख लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, एक बाग है किसान का स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए, वर्गाकार में, जिसकी साइडें 10 मीटर की हैं, है ना, ठीक है, 10 मीटर की साइडें हैं उसकी, और एक एक किसान जो है वो इस पूरे खेत का चारों तरफ का चक्कर लगा लेता 40 सेकंड में, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, मतलब 40 सेकंड में इस पूरे वर्ग के पेरीमीटर को नाप देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा किसान, कितने दूरी डिस्टेंस निकालना है। अब देख लीजिए इसका पेरीमीटर कितना होगा, 10 10 10 10, वर्ग में ही होता ना, मतलब पूरा एक चक्कर में 40 मीटर हो गए, कितने, तो 40 मीटर को फिनिश कितने में कर रहा है, 40 सेकंड में कर रहा है, मतलब हर मीटर में वो एक सेकंड चल रहा है, हर मीटर में वो एक सेकंड चल रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा, खत्म बात। हो ये तो दूरी हो गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, एक ग्राउंड है, खेत है, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, बिल्कुल इस वर्गाकार में 10 मीटर की बाउंड्री है, और उसका पूरा राउंड लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, इस पूरा इसका कितना हो गया पेरीमीटर, परिमाप 10 10 30 40, है ना, तो मतलब 40 मीटर को कवर करने में 40 सेकंड लग रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 20 सेकंड और, मतलब 140 सेकंड में कुल कितनी दूरी होगी। सीधी बात है, जब 40 सेकंड में 40 मीटर तो 140 सेकंड में 140 मीटर, तो आंसर कितना आ गया, 140। अब क्वेश्चन ये आ जाए यहाँ पे कि 140 सेकंड के बाद, 140 सेकंड के बाद विस्थापन कितना हुआ, 140 सेकंड के बाद विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ये बताइए क्या होगा। देखिए 10 सेकंड के बाद 10 मीटर, 20 सेकंड के बाद 20 मीटर, 30 सेकंड के बाद 30 मीटर,
40 सेकंड के बाद 40, मतलब 40 सेकंड में पूरा चक्कर, तो 80 सेकंड में दो चक्कर, ठीक है, 120 सेकंड में तीन चक्कर, ठीक है, और 120 का 20 सेकंड बचे, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा वो, इतना पहुंचेगा और इतना पहुंचेगा, है ना, इतना ही पहुंचेगा ना, मतलब जो बाद के 20 सेकंड थे उसमें इतना पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा सबसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप कहीं कहीं भी घूम रहे हो लेकिन दो पॉइंटों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्लियर है, तो ये हो गया रूट का 200। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, तो रूट का 200 लगा दीजिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही 14-15 के आसपास आएगा, 14.5 लगा लीजिए मीटर के आसपास। तो देखिए दूरी तो पहुंच गई कितनी, ट्रैवल कितना किया उसने, 140 मीटर, लेकिन जब विस्थापन की बात आई तो विस्थापन आया कितना, सिर्फ 14.5 मीटर के आसपास, अंतर समझ गए आप, ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ गया, 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 यहाँ आया, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी नपाई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ ये, सिर्फ ये, डन। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बताइएगा कैसे हैं लगे क्वेश्चन, फिर फटाफट नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन और कंसेप्ट लेके आएंगे। एक छोटा कंसेप्ट और इसमें बाकी है, वो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जो सर्कल में घूमते हैं, क्वेश्चन कई बार आते हैं कि आप लोग चीज़ें ऐसे उड़ाते हैं तो पत्थर बांध के धागे से घुमा रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है, पत्थर टूटता है तो कहाँ टेंजेंट पे जाता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ के न्यूटन लॉ की ओर हम बढ़ने की ओर कोशिश करेंगे। देखिए अभी तक अगर किसी KVS की हमारी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, 7678668278 व्हाट्सअप करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तब तक बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर अब आप लोग को नेक्स्ट टीचर पे और MV द्राकेश दोनों पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।